कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की रणभेरी तो बज चुकी है, लेकिन उम्मीदवार कौन कौन होंगे इसे लेकर सस्पेंस अब भी जारी है। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे, या यूं कहें कि वो अपनी पसंद के ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, मगर अशोक गहलोत के रेस में बाहर होने की स्थिति में कई और दावेदार मैदान में दिख सकते हैं। गांधी परिवार की पहली पसंद रहे अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस अन्य विकल्पों पर विचार करने में जुट गई है। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में 5 दावेदारों के नामों की चर्चा है। उसमें सबसे पहला नाम आता है शशि थरूर का। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में अब सबसे आगे चल रहे हैं। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले यूपीए सरकार में वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी कई किताबें काफी लोकप्रिय हुई हैं और लोग उनके शायराना अंदाज को काफी पसंद करते हैं। इस रेस में दूसरा नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इनका भी नाम अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में उछल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं और मौजूदा वक्त में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और फरवरी 2021 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो यूपीए सरकार में रेलवे से लेकर कई मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का संकेत पहले ही दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर आलाकमान उन्हें कहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के भी चुनाव लड़ने की संभावना तेज है। फिलहाल ये राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें चौथा नाम सामने आया है केसी वेणुगोपाल का। ये भी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी में आगे आ गए हैं। सूत्रों की माने तो ये भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। फिलहाल यह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। इस रेस में आखिरी और पांचवा नाम है मनीष तिवारी का। कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो मनीष तिवारी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक फैसला हो जाएगा कि कौन कौन इस पद के लिए दावेदार है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। वी न्यूज़ के लिए वर्षा शर्मा की खास रिपोर्ट।